बॉस सीजन 18 के घर में टाइम गार्ड टास्क में शिल्पा से तोड़ी करणवीर ने दोस्ती। हाँ, विवेन दिसेना के ग्रुप ने मारी बाजी। अविनाश को हुआ ईशा को जिताने का पछतावा। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, बिग बॉस के घर में टाइम गार्ड बनने के ही साथ साथ अब जब टाइम गार्ड का टास्क खत्म हो चुका है, आखिर क्यों शिल्पा से टूट रही है करणवीर की दोस्ती? क्या करणवीर को पता चल चुका है शिल्पा की सच्चाई? कैसे अविनाश को हो रहा है अब पछतावा कि उसने ईशा को टाइम गॉड बनने में हेल्प करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है? आखिर क्यों करणवीर एक बार फिर रह गए हैं टाइम गॉड बनते बनते, ऑलमोस्ट टाइम गॉड? इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आप अभी कीजिए। दोस्तों, बिग बॉस के घर में टाइम गॉड का टास्क शुरू हुआ, जहां पर 3 कंटेंटर हैं, विवेन दिसेना, ईशा सिंह और साथ ही साथ यहां पर इडेन रोज है। और यहां पर 3 लोग के बीच में रेस हो रही है, जहां पर विवेन ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं ईशा को जिताने के लिए। विवेन ने पूरी कोशिश कर रखी है कि ईशा इस टास्क में जीतनी चाहिए। और अब ईशा को जिताने के लिए जो शिल्पा ने गेम खेला है, एक बार फिर करणवीर के सपनों को तोड़ दिया है। और जैसे ही शिल्पा ने अनाउंस किया कि ईशा बनती है घर की नई टाइम गॉड, जाहिर सी बात है शिल्पा की सबसे बड़ी करणवीर की सबसे बड़ी दुश्मन है ईशा सिंह। तो अगर ईशा टाइम गॉड बनेंगी तो इससे करणवीर को बहुत ही बड़ा नुकसान है। और विवेन के ग्रुप से एक बार फिर नया टाइम गॉड चुना जा चुका है, जिसके बाद अब शिल्पा से साफ साफ दोस्ती तोड़ते नजर आए हैं। करणवीर ने कहा कि अब मैं रिश्ता बनाने से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, और शिल्पा जी आप बहुत ज़्यादा बायस्ड हो, हर बार आप विवेन का ही साइड लेती हो। जब भी टाइम गॉड की बात आती है तब आपने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया है, हमेशा विवेन के तरफ आप फेवर करके ये कहते हो कि मेरे लिए दोनों बराबर है, यू आर बायस्ड। और एक पहली बार जो है घर में शिल्पा के साथ बड़ी लड़ाई हुई है करणवीर की, और करणवीर की अब आंख खुल चुकी है, क्योंकि करणवीर के सारे गेम को डिस्ट्रॉय करने में शिल्पा का सबसे बड़ा हाथ है। शिल्पा विवेन को भी एक तरफ से वो यूज़ कर रही है, और करणवीर को भी, और ये बताती है कि वो दोनों ही उसके लिए सेम हैं। तो अब आँख खुल चुकी है करणवीर की, और करणवीर इज़ बैक इन द गेम। करणवीर लगातार जो है वो अब अटैक पर अटैक कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड जो है वो अब करणवीर मेहरा का ख़त्म हो चुका है। अविनाश और अविवेन को जिस तरीके से काम पर काम लगा दिया है ईशा ने, उसके बाद अविनाश जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। टाइम गॉड बनने के बाद ईशा जहां एक तरफ तो करणवीर पर भड़क रही थी, करणवीर के साथ लगातार कंट्रोवर्सी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ विवेन और अविनाश को इतना काम दे दिया है किचन में कि अब अविनाश ने विवेन के साथ कर दिया है सबसे बड़ा खुलासा। विवेन के सामने अविनाश ने कहा कि मुझे लगता है कि हमने गलत टाइम गॉड को चुन लिया है, क्योंकि ईशा तो हमारी दोस्त है लेकिन फिर भी वो हमें ही काम पर काम करवा रही है, वो दूसरे लोगों को काम नहीं बता रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब दोस्ती में दरार भी देखने को मिल रहा है। विवेन का ग्रुप जो है वो जो पहले था एलिश के रहने पर, ऐसा अब नहीं रह गया है। ईशा जो है वो सबसे बड़ी चुगली आंटी है, ये तो सभी को पता है, लेकिन अब अविनाश भी उसी के नक्शे कदम पर चलकर ईशा की बुराइयां कर रहे हैं विवेन दिसेना के साथ। वेल, आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्या शिल्पा के साथ दोस्ती तोड़कर करणवीर ने एक अच्छा काम किया है, एक ग्रेट मोमेंट है, या फिर आपको लगता है कि अब करणवीर को समझ में आ चुका है कि शिल्पा की दोस्ती सबसे ज़्यादा फेक है? मैं जानना चाहूँगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।